बड़ी खबर आ रही इस वक्त की, हरियाणा के सुमित नागल ने टोक्यो ओलंपिक मैच में इतिहास रचा है। ओलंपिक मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने सुमित नागल। ये बड़ी खबर इस वक्त की और अच्छी खबर। टोक्यो खेलों में डेनिस इस्टोमिक को तीन सेटों में उन्होंने हरा दिया है। तो हरियाणा के सुमित नागल ने भारत को एक और खुशखबरी दी है। तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं सुमित। टोक्यो खेलों में डेनिस इस्टोमिक को तीन सेटों में उन्होंने हरा दिया है। ओलंपिक मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने सुमित और टोक्यो खेलों में उन्होंने तीन सेटों में अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। हरियाणा के सुमित नागल ने टोक्यो ओलंपिक मैच में इतिहास रचा है। एक अच्छी खबर, खुशखबरी भारत के लिए। और बढ़ते हैं आगे। यमुनानगर के डीसी गिरीश अरोड़ा ने दिव्यांगों को मोटिवेट किया है। दरअसल डीसी यमुनानगर आरोहण वेलफेयर सोसाइटी, जो कि दिव्यांग जनों के लिए काम करती है, उनके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम में आए सभी दिव्यांग जनों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्हें पता चला कि जिले में बहुत सारे दिव्यांगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है। इसके लिए डीसी ने कहा कि अब स्वास्थ्य विभाग से बातचीत की जाएगी और डेटा लिया जाएगा, सभी दिव्यांग जनों के घर पर जाकर उन्हें वैक्सीन लगवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने संस्था को भी साधुवाद दिया जो दिव्यांग जनों के लिए काम कर रही है। कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि सभी दिव्यांग जनों जो भी उपकरण चाहिए वो उन्हें मिल पाए। आज आरोहण सोसाइटी द्वारा जो दिव्यांग सज्जन हैं उनके लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 41 लोगों के लिए डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसी उनकी ज़रूरत थी उसके हिसाब से व्हील चेयर या स्टिक्स या स्पेशल स्टिक्स आती हैं या आर्टिफिशियल लिप्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था। और इसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके बीच आकर कि दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए कोई एनजीओ किस तरह से आगे आकर मदद कर। रुस्तम ए हिंद केसर सिंह कुश्ती एकेडमी पटियाला के पहलवान जसकरण सिंह ने 60 किलो भार वर्ग में हंगरी में आयोजित सब जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और देश और राज्य का नाम रोशन किया है। पटियाला पहुंचने पर उनका खूब स्वागत हुआ। जसकरण सिंह के पिता रणजीत सिंह ने बताया कि इस जीत में ओलंपियन बलविंदर सिंह चीमा की देखरेख में वो कोचिंग ले रहे थे। पंजाब स्पोर्ट्स विभाग ने कुश्ती प्रशिक्षण सारस सिंह और गुरमेल सिंह की मेहनत का यही नतीजा है और परिणाम भी है कि आज उन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सारे पटियाला निवासियों वास्ते और स्टेट पंजाब वास्ते बड़े मान की गल है कि एक यंग टैलेंट ने देश का नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप जाके किया और इस बच्चे ने 5 बाउट्स लड़िया, फाइनल चा सिल्वर आया, तो सारे वास्ते बड़ी बड़ी मान की गल है और ये बहुत हार्डवर्किंग है। सानू पूरी उम्मीद है कि अपकमिंग ओलंपिक्स के देश लिए पार्टीसपेट करेगा, पार्टीसपेट करके मैडल लेके आएगा। ये बड़ा प्रोमिसिंग टैलेंट है। 5 मुकाबले हुए थे जी, 4 जीत गए, फाइनल हार गया सी पाकिस्तान तो भी। हाँ जी, पूरी खुशी मनाई थी। को साहब जी मेहनत सी, भगवान जी मेहनत थी, घर दिन मेहनत थी, जिम्मे सारे फ्रेंड्स दी नाल मेहनत थी, सरकार तो आस रखते मान करेंगे। हरियाणा सरकार ने करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस नई रेल लाइन को मंजूरी मिलने से करनाल और यमुनानगर का सफर न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि दो जिलों के बीच सीधा संपर्क भी हो जाएगा। आपको बताएं कि लंबे समय से इस रूट पर रिपोर्ट तैयार की जा रही थी लेकिन अब इस रेल लाइन को मंजूरी दे दी गई है। सड़क रास्ते से करनाल से यमुनानगर का सफर काफी तंग है और परिवहन के साधन भी ज्यादा नहीं है। अगर किसी को करनाल से यमुनानगर रेलमार्ग से पहले जाना पड़ता था तो उसको अंबाला होकर जाना पड़ता था, जिससे किराया तो ज़्यादा लगता ही था, साथ ही समय भी ज़्यादा लगता था और अब 121 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन करनाल से यमुनानगर सीधे सड़क मार्ग से 67 किलोमीटर की दूरी अब बची है।
तो अब करनाल से यमुनानगर की रेल लाइन बिछ जाएगी तो समय भी बचेगा, साथ ही जो लोग हरिद्वार जाना चाहते हैं उनके लिए भी अब आसानी होगी। 22 किलोमीटर के आसपास पड़ता था जब करनाल से पैसेंजर जाता था, उसको वाया अम्बाला होके जाना पड़ता था। अब हरियाणा सरकार ने इसकी मंजूरी दी है तो ये करनाल से वाया इंद्री और जो अपना पश्चिमी यमुनानगर का जो पुल बना है उसके पास से ये होके गुजरेगा NDRI और उसके बीच से, और ये लगभग 60 या 70 किलोमीटर का सफर रह जाएगा। तो करनाल वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी कि उनका समय भी बचेगा और उसका किराया भी कम रहेगा। तो काफी सालों पुरानी मांग थी सर, बहुत सालों पुरानी डिमांड थी है, अब इस पर सर्वे शुरू हो चुका है और जल्दी आता हूँ क्योंकि हरियाणा यहाँ पे हमारा जो करनाल से एक यमुनानगर के रेल मार्ग बन रहा है इसकी बहुत पुरानी डिमांड थी, इसके लिए मैंने खुद भी डिमांड की थी। जो हमारे लोकसभा सांसद पहले अरविंद शर्मा थे, हमने उनको भी कई बार इसके बारे में अवगत कराया था और ये अच्छी खुशी की बात है हमें करनाल को सौगात मिली है। इसके लिए मैं अपने रिसेंटली आज ही जैसे मैं अपने बेटे को छोड़कर चंडीगढ़ जा रहा है बेटा, तो उसको छोड़ने आया, तो ऐसा हमें यमुनानगर हरिद्वार आगे कहीं भी जाना हो तो हमें उसके लिए बहुत सुविधा है, लोगों का समय बचेगा, टाइम पैसा बचेगा। ये सीएम साहब ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है हमारे को, ये हरिद्वार जाना हो यमुनानगर जाना हो हमें बहुत परेशानी होती थी, बस सर्विस बहुत कम है तो ये बहुत ही फायदे की बात होगी हमारे लिए और बहुत खुशी की बात है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सीएम साहब का जिन्होंने ये हमारे को ये। हरियाणा में बिजली चोरों ने बिजली की चोरी के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बिजली की खपत गर्मियों में ज्यादा होती है, ऐसे में खपत को कम दिखाने के लिए बिजली उपभोक्ता रिमोट का इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे वो रीडिंग को कम करते हैं और उनका बिजली का बिल कम आता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसके बाद बिजली विभाग ने छापेमारी कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1.25 करोड़ का जुर्माना भी वसूला गया है। तो 70 लाख की चोरी तो एक बार पकड़ी गई थी जो स्पेशल अभियान था शनिवार इतवार का, और वो अभियान हमारा जारी है, उसमें इजाफा लगभग 50 लाख के आसपास और इजाफा हो गया है। इसमें आजकल जैसे हमें गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि फलाना बंदे ने रिमोट करवा रखा है जी, फलाना ने ये करवा रखा है, तो उसके तहत मैं मीटर भी पैक करवा रहा हूँ। तो लगभग आज में लगभग 15 मीटरों में रिमोट मिल चुका है हमें सिर्फ आज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।